नमस्कार, मैं हूं किशन कुमार और आप देख रहे हैं अपना उड। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से एक बहुत ही बुरी खबर सुनी होगी और वो बुरी खबर थी सिवान के पूर्व सांसद बाहुबली नेता डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन की। जी हाँ, ये खबर आते ही पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस शख्सियत की पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। ये शोक का माहौल राजनीतिक गलियारों में भी जबरदस्त देखने को मिला। यहां तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शहाबुद्दीन के परिवार के लिए शोक संवेदनाएं व्यक्त की। अभी यह सब कुछ चल ही रहा था कि तभी ट्विटर पर आए हुए एक पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में एक बवाल मचा दिया। जी हां, वो ट्विटर का पोस्ट एक राजनीतिक पार्टी की अध्यक्षा ने किया था। आपने पिछले चुनाव में उन्हें देखा भी होगा, उन्हें सुना भी होगा और उनकी चर्चा आसपास होते हुए भी देखी होगी। वो शख्सियत कोई और नहीं है, प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। उन्होंने अपने ट्विटर के पोस्ट में लिखा कि कई पीढ़ियों से हमने बाहर गुंडा और क्रिमिनल होने का आक्षेप झेला है। अगर इसके एक पर्याय का जेल में मौत होने पर मैं अफसोस जाहिर करूंगी तो यह करोड़ों बिहारियों के लिए अपमान की बात होगी। मुझे कोई अफसोस नहीं है, हैशटैग शहाबुद्दीन। ट्विटर पर आए हुए इस पोस्ट के बाद राजनैतिक और सोशल मीडिया के गलियारे में बवाल मच गया। इस पोस्ट के आने के तुरंत बाद शहाबुद्दीन के समर्थकों ने पुष्पम प्रिया चौधरी को सोशल मीडिया के माध्यम से खूब ट्रोल किया। उनके पोस्ट पर जाके कई सारे लोगों ने भद्दे कमेंट भी किए तो कुछ लोगों ने इसे ओछी राजनीति बताई है। लोगों ने यह भी कहा कि किसी के निधन पे अगर राजनीति होती है तो इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि पुष्पम प्रिया चौधरी को कोई सीरियस नहीं लेता, पिछले चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी और लोगों ने उन्हें नकार दिया था। शायद इस पोस्ट के माध्यम से वो चर्चे में आना चाहती हैं और ये कमेंट्स का ट्रेंड अब भी सोशल मीडिया पे चलता आ रहा है। जहां एक ओर राष्ट्रीय जनता दल को अपने सबसे बड़े नेताओं में से एक को खोने का अफसोस है, वहीं सिवान के लोगों का कहना है कि हमारे नेता की नहीं बल्कि सिवान के विकास का निधन हुआ है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर ले, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारे लिए कोई सुझाव हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई चीजों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।